नमस्कार, एमबीसीजे 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ग्राम पंचायत बिसोनी में ग्राम सभा की बैठक की गई आयोजित। सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के तहत कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेजी सत्यापन कर विवरण दिया गया। जनपद पंचायत लांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसोनी में दिनांक 27 अगस्त को 11 बजे सामाजिक अंकेक्षण प्रोग्राम ग्राम के सरपंच, उपसरपंच, सचिव एवं पंचों के मध्य वीएसए की टीम विशेष ग्राम सभा में मूल्यांकन करने आए श्रीमती मनीषा किरमे, श्रीमती संगीता उसरे, श्री झनकराम घोरमारे के गठित टीम के द्वारा कलेक्टर बालाघाट के आदेश अनुसार यह कार्यक्रम दिनांक 31/7/2022 से 27/8/2022 तक आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में बताया गया कि कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेजी सत्यापन किया गया, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसोनी के 46 कार्यों के सत्यापन किए गए एवं विशेष कार्यक्रम जिसमें मनरेगा पीएम आवास के भौतिक एवं मौखिक रूप से सत्यापन के कार्यों को पंचायत के पदाधिकारी एवं पदस्थ जनप्रतिनिधियों के मध्य कार्यक्रम को मूल्यांकित किया गया। लांजी से कैमरामैन बादल श्रीवास के साथ रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। सर, हमको जल जीवन मिशन का कार्यक्रम मिला है जिसमें हम लोग आपको उनका 10 मिनट देना चाहेंगे। जल जीवन मिशन हर घर जल, जिसमें ये जो पहले तो क्या हो रहा था, जल जीवन मिशन जो है शहरी क्षेत्र में चलाया जा रहा था। कहाँ चलाया जा रहा था? शहरी क्षेत्र में। अभी शहरी क्षेत्र का जो जल जीवन मिशन अभियान है वो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए हर घर जल योजना का मतलब स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें पहले ये पानी के लिए बहुत परेशानी होती थी, तो कोई भी ये नहीं सोचा कि किसी मंत्रालय का गठन किया जाए। अभी कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत, बिजली की दिक्कत, ये सारे समस्या मतलब देखते हुए पानी सदस्य किसका लेकर 55 लीटर मिलेगा, तो 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्य अपने उपयोग के अनुसार पानी लेंगे। इससे पानी का संवर्धन संरक्षण भी करना है, कैसा कि जैसे पानी आ गया अपना पूर्ति हो गया तो चालू नल को नहीं रखना है, मतलब बंद कर दे रहा है नल को, ताकि जो पानी जो बचेगा वो दूसरी दीदी को दूसरे घर में पहुंच सके। किस प्रकार का पानी नहीं बहाना है, पानी बहाया बुजुर्ग का नाली में जाएगा, कीड़े मकोड़े होंगे, बीमारी हमको छोड़ेगी। तो पीएचई भाग के द्वारा बहुत सारा अवलोकन ये किया जाएगा, जैसे आपके यहाँ टंकी बन रही है, तो टंकी में जो टंकी से जो पानी आएगा टेपवाटर कनेक्शन के माध्यम से, वो किसी प्रकार की कीटाणु तो नहीं लगी है, पीने के लायक है कि नहीं, इसकी जो जांच है पीएचई भाग के द्वारा कम से कम 15 महीने में किया जाएगा, और उसमें कीटनाशक दवाई जो है मिलाई जाएंगी। तो इसके लिए हमारे को एक समिति मतलब बनानी थी, जिसमें हमने जनसभा ली है 20 अप्रैल को, उसमें समिति ने पीडब्ल्यूएससी का जो समिति बनेगा उसमें पहले एक अभी पहले ये बोला गया था कि जो वार्ड मेंबर है वो सचिव कर्मी रहेंगे और जो अध्यक्ष है वो दीदी सरपंच समय के। तो हमने पिछले पूर्वा सरपंच की उपस्थिति में जनसभा का आयोजन किए थे, लेकिन आज आपका ग्राम सभा है, सरपंच महोदय दीदी भी बदल गई हैं और समिति में जैसे कुछ लोग पिछले लोगों को हम लिए हैं, कुछ अगर अभी बदलना चाहें तो उसमें आप दे सकते हो, क्योंकि हमको ऐसे लोग चाहिए, ऐसे मतलब कहने का कि पूरे जो वार्ड है हम तो आपके गांव में कभी कभी आएंगे, क्योंकि हमको 31 गाँव जो है मिला हुआ है, तो आपके गांव में हम कभी आएंगे। तो ऐसे आप चयन कीजिए कि आप
आपके जो वार्ड में जो समस्या है, कैसे समस्या, अभी तो नई पाइपलाइन होगी तो किसी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न होगी, मतलब पानी जो है पाइप जो हड़े में नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दो सात तीन साल में कहीं ना कहीं पाइप जो हड़े में होने लगेगा। तो किसके घर पानी पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, किसके घर कनेक्शन लगा है,